J22 आर्मी, सो J एडवांस्ड एक्सक्लूसिव सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं आज रात 9 बजे से। कमेंट सेक्शन में सबसे पहला पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है, यहाँ पे आपको 2019 से 21 का एक छोटा सा एनालिसिस है जो आपको बताता है कि लेट्स से अगर आपने 10,000 के करीब रैंक लानी है, सो द डेटा सेज कि अगर पेपर में आप लगभग 33-35% मार्क्स ले आते हो तो यस यू कैन स्कोर अ रैंक अराउंड दिस। इसी तरह से अगर 5,000 के करीब आप रैंक लाना चाह रहे हो, यानी कि आपको 40-42% मार्क्स अपने जेई एडवांस के पेपर में स्कोर करने होंगे, करेक्ट। सो इस वक्त बहुत ज्यादा डेटा के अंदर डूबने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स। इसके साथ साथ अनलाइक योर जेई मेन्स, यहाँ पे क्या होता है आपकी सेक्शनल कट ऑफ। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा देखूँ तुम्हारा 2020 और 21 का, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कम से कम 5-5% तो मार्क्स चाहिए ही, यानी कि उतना तो मुझे क्लियर करना ही है, नंबर बनाने ही है इन द पेपर। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर आपको सेक्शन वाइज भी क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जे एडवांस में चॉइस ऑफ क्वेश्चंस और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे जे मेन में तुम्हारा स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी का एक बैलेंस चाहिए, यहाँ पर एक्यूरेसी इज समथिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो करेक्ट सवालों को चूज करना एंड पूरे पेपर को एक एंटिटी की तरह लेना, ठीक है, जहां से आपको ज़्यादा आ रहे हैं वहां से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, दैट इज द मेन एम, करेक्ट। इसके साथ साथ नाउ एक्सक्लूसिवली अगर हम मैथ की बात करें तो आपको ये एक अप्रोक्सीमेट डिवीजन देता है, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो एलजेब्रा सबसे ज़्यादा भारी भरकम रहता है, ठीक है, इट हैज़ द हाईएस्ट वेटेज, करेक्ट। उसके बाद ऑफकोर्स यू कैन सी कैलकुलस विच विल कंप्राइज ऑफ डिफरेंशियल एंड योर इंटीग्रल, जो लगभग आप लगा लो कि 14-17% आप कह सकते हो 14% लगभग डिफरेंशियल एंड 17% लगभग इंटीग्रल कैलकुलस के चैप्टर्स रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट देन यू विल सी योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड देन योर वेक्टर 3D ट्रिग्नोमेट्री। अब ये क्या करता है, ये मुझे हेल्प करता है अपनी प्रिपरेशन को प्लान करने में। इसके साथ साथ अगर मैं पिछले 3 सालों का एक एनालिसिस देखूं तो सबसे ज़्यादा जो हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं जो मैथ्स में पूछे जा रहे हैं, यू कैन सी ऑफकोर्स कैलकुलस, एलजेब्रा की बात करूं तो मेट्रिसेस डिटरमिनेंट्स प्रोबेबिलिटी, यू कैन ऑल्सो से कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ हद तक एंड योर वेक्टर्स 3D। नाउ सबसे ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके रेलिवेंट PYQs को सॉल्व करना, करेक्ट। तो द बेस्ट वुड बी कि आप उसे मॉक पेपर की तरह लेकर बैठो और you know, अपने पूरे पेपर्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं सॉल्व करो। जेई एडवांस की वेबसाइट पे भी उन्होंने पूरी आर्काइव क्रिएट करी हुई है पास्ट ईयर पेपर्स की, तो मेक श्योर आप वहाँ से पूरे पेपर्स लेकर कर रहे हो सॉल्व। एंड ऑफ कोर्स आज रात को 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं एलजेब्रा के क्वेश्चंस, ठीक है, तो जिसमें क्वेश्चंस के साथ साथ आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू द क्वेश्चन बैंक, सो मेक श्योर टू फॉलो दिस। एंड यस, इसके साथ साथ समझ तो तुम गए होगे, संदीप महेश्वरी सर से ना मुझे से मिलने का मौका बट उनके साथ स्टेज शेयर करने का भी मौका मिला। यू कैन चेक आउट दिस वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, गो शो योर लव हियर ऑल्सो। मैं मिल रही हूँ रात को 9 बजे, ठीक है, एलजेब्रा के साथ। एंड इफ यू वॉन्ट टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड tinyurl.com/letskilJ22, जहाँ पे आपके सारे एलजेब्रा के चैप्टर्स, कैलकुलस के चैप्टर्स, एवरीथिंग यू विल फाइंड। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट एंड हैंड रिटन नोट्स के साथ आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। चलिए, सी यू गाइज लाइव, बाय बाय।